हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू वर्ब्स। व्हाट इज वर्ब? वर्ब मींस एक्शन, यानी कोई भी एक्शन। जैसे कि राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, अभी मैं क्या कर रही हूं? मैं बोल रही हूँ ना, आई एम स्पीकिंग। तो मैं एक्शन, क्या एक्शन कर रही हूँ? स्पीक का, यानी बोलने का एक्शन कर रही हूँ। तो स्पीक क्या हुआ? वर्ब। सो दिस इज वर्ब। सो वर्ब क्या होता है? वर्ब जो होता है वो डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कौन? राइट नाउ आई एम स्पीकिंग ना, अभी मैं बोल रही हूं, मैं यानी आई, आई एम स्पीकिंग। तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो मेन काम करता है, ठीक है, और जो काम करता है, जो एक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। सो वर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है एक्शन के बारे में या सब्जेक्ट की स्टेट। स्टेट मीन्स कि किस अवस्था या स्थिति में है। आई विल गिव यू एग्जाम्पल। फर्स्ट सी द एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग। राम क्या कर रहा है? राम इज प्लेइंग। यहाँ पे राम क्या एक्शन कर रहा है? प्ले का, यानी प्ले क्या हुआ? वर्ब हुआ। और इज किसके लिए आया? प्रेजेंट, यानी अभी खेल रहा है, प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। और राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। कौन खेल रहा है? राम। तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। और क्या कर रहा है? प्ले। तो प्ले क्या हुआ हमारा? वर्ब। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड इज, राम इज 8 ईयर्स ओल्ड। अभी मैंने बताया कि डिस्क्राइब या जो वर्ब है वो एक्शन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं या स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की स्टेट यानी अवस्था के बारे में। यहाँ तो एक्शन कर रहा है राम, राम इज प्लेइंग। यहाँ हमने उसकी स्टेट के बारे में बताया, राम इज 8 ईयर्स ओल्ड, यानी राम जो है वो 8 ईयर्स ओल्ड का है, यानी वो उसकी अवस्था या स्थिति, स्टेट बता रहे हैं। यहाँ कोई एक्शन तो नहीं कर रहा, कोई काम तो नहीं कर रहा, लेकिन ही इज 8 ईयर्स ओल्ड, यानी उसकी स्टेट के बारे में बता रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो वर्ब। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वर्ब, जो कि वर्ब जो है वो एक्शन के बारे में बताता है कि राम इज प्लेइंग, जो काम हो रहा है एक्शन, और स्टेट कि ही इज 8 ईयर्स ओल्ड। तो दैट इज वर्ब। अब जनरली वर्ब्स आर टू टाइप्स, ठीक है, वर्ब, सॉरी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब्स के जनरली टू टाइप्स हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब जो वर्ब अपने आप में कंप्लीट होता है, ठीक है, जो कि अपने दम पे सेंटेंस बना सकता है। जैसे कि आई सिंग, मैं गाना गाती हूँ। दे प्ले, वो खेलते हैं। तो सिंग प्ले, ठीक है, सिंग प्ले, ईट राइट, थिंग इज ऑल्सो वर्ब। ठीक है, अब जो वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब जो है वो फिजिकल भी हो सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू, एक्शन वर्ब्स फिजिकल, फिजिकल यानी जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे कि क्राई, ईट राइट, ठीक है, और मेंटल। सेकंड इज मेंटल, यानी जिन्हें आप देख नहीं सकते, जैसे कि फॉरगेट। अब फॉरगेट को कोई देख सकते हैं? नहीं ना, फील कर सकते हैं, ही फॉरगॉट माई नेम। तो फॉरगेट भी क्या हुआ? वर्ब हुआ। ठीक है, थिंक क्या हुआ? वर्ब हुआ। तो ये मेंटल वर्ब हुआ। ठीक है, तो अब हम मेन वर्ब के बारे में बात कर रहे थे। मेन वर्ब कौन से होते हैं? जैसे ईट राइट थिंक, ठीक है, और क्या, प्ले, ओ सॉरी, प्ले वी हैव डन, रीड। ठीक है, कोई भी मेन वर्ब जो कि
अपने यानी अपने दम पे ही कैन इट कैन मेक सेंटेंस, तो दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। कौन से वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब मीन सेम, ठीक है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है, ये डिस्क्राइब द स्टेट, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। और जनरली ये जो है मेन वर्ब यानी इसकी मेन वर्ब्स जैसे ईट, राइट, थिंक, रीड, प्ले, इनकी हेल्प करते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग, तो प्ले क्या हुआ? सी हियर, आई एम प्लेइंग, ठीक है। अब एज यू कैन वॉच, आई एम प्लेइंग, प्ले तो हो गया हमारा मेन वर्ब, ठीक है। अब उसको हेल्प कौन कर रहा है? एम। तो एम क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। सो जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट करने में भी। और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताते हैं। मतलब उनसे हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है, का पता लगता है। जैसे कि ही इज ईटिंग, इज क्या हुआ? प्रेजेंट, वो खा रहा है। ही वॉज ईटिंग, वो खा रहा था। ही विल ईट, वो खाएगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, क्लियर। सो मेन वर्ब जो कि अपने आप में पूर्ण होते हैं, ठीक, कंप्लीट होते हैं, दे कैन मेक सेंटेंस देमसेल्व्स, ठीक है। जैसे कि आई रीड न्यूज़पेपर। और हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, जैसे आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। तो यहाँ एम जो है मेन वर्ब रीड की हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। थ्री कैटेगरीज में हेल्पिंग वर्ब्स को डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब में कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं? इज, एम, आर, हैव, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, डू, डज, और मोडल्स भी होते हैं, उनके बारे में हम बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बट यू शुड नो, जैसे कैन, शुड, मस्ट, एक्सेट्रा। सो ये सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स, यानी ये हमें प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, डू, डज, ठीक है। और मोडल्स कैन, शुड, मस्ट। कैन, शुड, मस्ट और भी मोडल्स होते हैं, ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट देम लेटर। सो ये जो है ये है प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स। नाउ पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स, यानी जो पास्ट के बारे में हेल्पिंग वर्ब्स जो बताते हैं, जैसे कि पास्ट वॉज, वर, हैड, डिड, हैड बीन। और इनमें कुछ पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल्स भी हैं, जैसे कि कुड, कुड हैव, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास्ट हेल्पिंग वर्ब, जो पास्ट के बारे में बताते हैं। नाउ
फ्यूचर। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स जो फ्यूचर के बारे में बताते हैं, फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब में विल, शैल, विल हैव, शैल हैव, ठीक है। और इसमें कुछ मॉडल्स कैटेगरी के भी आते हैं, जैसे विल हैव टू एक्सेट्रा, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गए, प्रेजेंट जिसमें इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, डू, डज, ये सब आते हैं, कैन, शुड, मस्ट, ये हमारे मॉडल्स हैं, ठीक है। और पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स में वॉज, वर, डिड, हैड, हैड बीन, ठीक है। और कुछ मॉडल्स जैसे गुड, कुड, कुड हैव, शुड हैव। और फ्यूचर में विल, शैल, विल हैव, शैल हैव, ठीक है, विल हैव टू एक्सेट्रा। क्लियर चिल्ड्रन? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो सी द एग्जांपल, अनु इज प्लेइंग गिटार, ठीक है। अब अनु क्या है, कौन गिटार प्ले कर रहे हैं? अनु, तो अनु सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। अब इज कौन सा वर्ब हुआ? हेल्पिंग वर्ब, राइट, हेल्पिंग वर्ब, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हेल्पिंग वर्ब। और प्ले यानी मेन वर्ब, आई एन जी लगा क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो बेस जो वर्ब है वो है प्ले, यानी रूट वर्ब, मेन वर्ब जो होता है प्ले, ठीक है। उसके बाद उसकी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हर वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म को हम रूट वर्ब या बेस वर्ब भी कहते हैं, उसके बाद सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। तो वॉज क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब, और लिसन क्या हुआ? हमारा मेन वर्ब। क्लियर चिल्ड्रन? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। आई होप नाउ द टॉपिक वर्ब इज क्लियर टू यू।